الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الذي من علينا بنبيه دون الأمم الماضية والقرون السالفة سيد خلق الخالق حامل رسالة المرسل الصادق المصدق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفدا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلوات عزانِ گرامی اس سلسلہ مجالس کا عنوان امام المتقین کی صفات اس عنوان پر مختلف جہتوں اور مختلف پہرائے میں گفتگو ہوتی رہی جس کے لیے جہاں میں ان تمام مومنین کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے ان مجالس عزا کے برپا کرنے میں مختلف طریقوں سے اپنی سعی اور کوششوں کو انجام دیا چاہے وہ فرش عزا بچھانے سے لے کر شرکت کرنے تک چاہے وہ مرثیہ نوحہ سلام ذکر مصائب پڑھنے تک یا صوتی اور تصویری ویڈیو ریکارڈنگ یا اس کے علاوہ کوئی بھی طریقے سے
इन मजाले से अज़ा को बर्पा करने के लिए जिन मोमिनीन ने दामे दिरहमे सुखने कोशिश की परवरदिगार आलम उनकी इस कोशिश को कबूल व मकबूल फरमाए। इस उन्वान पर हमने मौला की इबादी खानवादगी इज्तिमाई सियासी इक्तसादी और इसके अलावा मुख्तलिफ सिफात और मनाकिब और फजाइल को हमने जाना। आज मौला की वो सिफत कि जो शियों और मुसलमानों तक ही महदूद न रही बल्कि अंग्रेज़ों ने भी उससे इस्तेफादा किया, वो मौला की तिब्बी और तिब्बुल आइमा में मौजूद मौला की मेडिकल वो नसीहतें और वो सिफात जो मौला में मौजूद थी जिससे मुसलमानों से ज़्यादा ख़ुद अंग्रेज़ों ने इस्तेफादा किया। आप तारीख़ में देखते हैं कि मौला का ये जुमला कि कुल तुफाह तबका कुल यौम कि तुम सेब को खाओ पूरा दिन तुम बाकी रहोगे, इसका अंग्रेज़ों ने जो आपके आज बच्चों बच्चों को ये जुमला याद रहता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मौला का जुमला था, मौला का कलाम था, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेफादा हम मुसलमानों से ज़्यादा अंग्रेज़ों ने किया। जहाँ हार्ट की बीमारियों दिल की बीमारियों के बारे में मेडिकल साइंस वाले ये अफराद ये जुमले कहते हैं कि उन फलों को खाया जाए जिनमें छोटे छोटे दाने हुआ करते हैं। मौला ने कई सौ साल पहले ये जुमला कहा था कुल्लू सफरजल नाशपाती और अमरूद को खाओ क्योंकि ये दिल की बीमारियों को दूर कर दिया करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले और जहाँ मुसलमानों ने इस्तेफादा किया तो मुसलमानों ने मौला के कलाम से इस्तेफादा नहीं किया बल्कि ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम, जबकि मौला फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो मन अरादा अन तबका व मैं युरीदुल बका जो शख्स भी अपने आप को बाकी रखना चाहता है जो शख्स भी अपने आप को महफूज रखना चाहता है फला याकुल ताम इल्ला बादल जू कि वो खाना ना खाए ताम ना खाए उस वक्त तक कि जब तक उसे भूख ना लगे जब तक उसे इश्तिहा ना हो। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि मौला के इस फरमान पर तो अमल करना कुजा जो शिकम सेब होता है वो ये जुमला कहता हुआ नज़र आता है जब लजीज़ चीज़ नज़र आएगी तो उससे इस्तेफादा क्यों ना किया। मौला ये नहीं कहते, मौला कहते हैं कि ला याकुल ताम खाना ना खाए उस वक्त तक कि जब तक उसे भूख ना लगे। एक मरतबा एक शख्स आता है और मौला के पास आकर कहता है कि मौला मुझे कमर का शदीद दर्द है और मैं इस दर्द से पूरी रात नहीं सो पाता हूँ। तो मौला उसे एक जुमला कहते हैं क्या तू खुदा से नाउम्मीद हो चुका है? तो कहता है हाँ मौला कभी कभार मुझे खुदा से नाउम्मीदी मुझ पर गालिब आ जाती है, कभी कभार मैं मायूस होने लगता हूँ। तो मौला कहते हैं कि इंसान की हड्डियों में और उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द उस वक्त होना शुरू करता होता है कि जब इंसान खुदा से एक चंद मवावित के अंदर अपनी मुसीबतों को देखकर नाउम्मीद होता है। फिर मौला ने उसे एक जुमला कहा कि जाओ जब भी तुम्हें ऐसा दर्द हो तो कुरान की आयत की तिलावत करना, तीन मरतबा अपने हाथ को उस कमर पर रख कर कुरान की इस आयत की तिलावत करना जिसका तर्जुमा यह है कि जो शख्स भी चाहता है कि वो दुनिया के सवाब को हासिल कर दे तो हम उसे दुनिया का सवाब दे देते हैं। वमई योवेद सवाब दुनिया नोती है मिना
وَمَنْ يُوِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا, اور جو شخص بھی آخرت کا, وعلیکم السلام, آخرت کے ثواب کو چاہتا ہے تو ہم اسے بھی عطا کر دیتے ہیں. اس آیت کی تلاوت کے بھی جو پوری آیت قرآن مجید کے اندر ہے, تو مولا اسے یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ یہ آیت کوئی دوائی ہے, کوئی میڈیسن ہے, نہیں. اس آیت کے مفہوم پر توجہ کرو کہ موت جس, جو اس آیت کے اندر الفاظ ہیں کہ کتاب معجلہ, کہ موت کو ہم نے مقرر وقت کے لیے محدود رکھا ہے. انسان نا امید کیوں ہوتا ہے؟ اپنی مصیبتوں کو, اپنی بیماریوں کو دیکھ کر نا امید کیوں ہوتا ہے؟ مولا اسے بتانا چاہتے ہیں کہ تو قرآن کو پڑھ تاکہ تجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ خدا کی اجازت کے بغیر نہ لوگوں کی دی ہوئی مشکلات سے کسی کو موت آ سکتی ہے اور نہ کسی کو زندگی مل سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ جسمانی بیماریوں کا علاج تھا, جن میں سے ایک اور جملہ جو مولا کا مشہور جملہ ہے کہ جسے بائیولوجی کے نام نہیں لینا چاہتا, کچھ بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی ان جملوں کو انجام کہتے ہیں, وہ مولا کا یہ جملہ تھا جسے انگلش کے اندر کہا گیا, وہ یہ کہ لا تاکل السمک دوامن, کہ کبھی بھی مچھلی کو روزانہ اور ہمیشہ نہیں کھاؤ, چونکہ یہ شکم کو, پیٹ کو اسی طریقے سے خراب کر دیا کرتی ہے جس طریقے سے کوئی بڑا لوہا کسی چھوٹی سی لکڑی کو توڑ دیا کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر آپ طب آئمہ میں دیکھ سکتے ہیں اور مختلف کتابیں موجود ہیں جہاں مولا کی طبی اور جسمانی صحت کے اصولوں کو بیان کیا گیا. لیکن ایک مرتبہ عمار یاسر مولا کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا آپ مسجد کوفہ میں تمام جسمانی بیماریوں کا علاج بیان کرتے ہیں, چونکہ ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا کہ جب اسکول اور مدرسہ الگ الگ نہیں ہوتا تھا. آپ اگر اپنے بزرگوں سے سنتے ہو تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمام معلومات اور تمام تعلیمات مدرسے ہی جا کر حاصل کرتے ہیں. فارسی میں بھی آج تک اسکول کو مدرسہ کہتے ہیں. کہیں پہ بھی آپ ایران میں چلے جائیے, افغانستان میں چلے جائیے, تاجکستان میں چلے جائیے, فارسی زبان کے اندر آج بھی بچوں کا جو اسکول ہوتا ہے اسے مدرسہ کہتے ہیں. اس زمانے میں مدرسہ اور اسکول الگ الگ نہیں ہوتا تھا. یہ تو ہمارے ہاں یہ سسٹم رائج کر دیا گیا کہ اسکول کو الگ کر دیا جائے, دنیاوی تعلیم کو نعوذ باللہ الگ کر دیا جائے, دینی تعلیم کو الگ کر دیا جائے, جبکہ اہل بیت یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لا علم الا علم الادیان و علم العبدان, کہ کوئی علم ہے ہی نہیں, اگر علم ہے تو یا تو دین کا علم ہے یا بدن کا علم. تو اہل بیت تو بایولوجی کو, دینی معلومات کو, سب کو مسجد کوفہ میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مولا جب مسجد کوفہ میں مختلف جسمانی امراض کے علاج بتا رہے تھے تو ہمارے یاسر آتے ہیں اور آ کر مولا سے کہتے ہیں مولا آپ ہر ایک کو اس کی جسمانی بیماری کا علاج بتا دیں, کیا آپ کے پاس کسی ایسے شخص کا بھی علاج ہے جو گناہوں کی اور ذنوب کی بیماری کا شکار ہو؟ تو مولا اسے کہتے ہیں اے عمار تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. جب تمام افراد چلے گئے جو مختلف مسائل لے کر آئے تھے, کوئی دل کی بیماری, کوئی پاؤں کی گھٹنے کی بیماری, کوئی کمر کے درد کی بیماری, جس کے مختلف علاج مولا نے بیان کیا اور حارث اعور نے اس کو لکھا بھی ہے, اور جو جاننا چاہتا ہے, جو زیادہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے, وہ طب الائمہ جیسی کتابوں میں دیکھ سکتا ہے جہاں طب امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام. موجود ہے وہیں پر طب مولا کائنات بھی موجود ہے. تو عمار کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ذنوب کی بیماری, گناہوں کی بیماری کو دور کرنے کے لیے علاج موجود ہے؟ مولا تھوڑی دیر کے لیے انہیں روکتے ہیں اور جب سب چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اے علیل, اے بیمار آؤ, میں تمہاری بیماری کا علاج کروں. پھر فرماتے ہیں گناہوں کی بیماری کا علاج
इस तरीक़े से किया जाएगा कि इसका नुस्खा सब्र है, इस पर लिखी हुई दवाई और दवा, इस पर लिखी हुई दवाई और दवा शुक्र है। और ये कब कब खानी है सब्र और शुक्र, ये कब खानी है? मौला फरमाते हैं ये जो नुस्खा है सब्र और शुक्र का, ये दिन में 5 मरतबा जब खुदा की बारगाह में सजदा रेज होते हो तो उस वक्त सब्र और शुक्र के साथ सजदा रेज हो। और ये दवा ऐसी दवा है कि जब इंसान चाहता है कि इस दवा से इस्तेफादा करे और कोई आकर उसे रोके कि तुम नमाज की तरफ ना जाओ, वो ज़ाहिर और कोई नहीं होगा, शैतानी है जो नमाज से रोकता है। अगर कोई आकर रोके तो मौला कहते हैं अगर कोई आकर रोके तुम्हें इन 5 मरतबा खुदा के यहाँ सजदा रेज होने से सब्र और शुक्र के ज़रिए से, तो फिर एक ख़ास, मैं इंग्लिश में तर्जुमा कह रहा हूँ, एंटीबायोटिक है तफक्कुर। इंसान जितना ज़्यादा तफक्कुर करेगा और जितना ज़्यादा गौर व फिक्र करेगा किस में, अत्तफक्कुर फी आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात में, अल्लाह की निशानियों में जितना ज़्यादा इंसान फिक्र करेगा, खुदा बंदे मुताल का ये वली इरशाद फरमाता है कि वो गुनाहों से दूर होता जाएगा, शैतान के हमलों से महफूज होता जाएगा, खुदा की बारगाह में सजदा रेज होगा। फिर उसके बाद फरमाते हैं ये दवा कब तक खानी है, अम्मार से कह रहे हैं ये दवा कब तक खानी है, मौला फरमाते हैं जब तक तुम जिंदा हो तवक्कुल के शरबत के साथ इसे रोज़ाना खाते और पीते रहो। अली इब्ने अबी तालिब ज़ामिन है, ज़मिन तो सहीहन व वफाकन, कि अली इब्ने अबी तालिब ज़ामिन है कि तुझे अफाका भी होगा और तू सही और सालिम भी रहेगा। अम्मार कहते हैं क्या इसके अलावा भी मुझे कुछ अंजाम देना है? कहा कि हाँ, तू जहाँ सब्र शुक्र फिक्र और तवक्कुल के साथ इन दवा को, इस दवा को खा रहा है, याद रखना कि इन सब में जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी वो खुदा की तौहीद पर ईमान, उसके रसूल की नबूवत का इकरार और उसके रसूल के वली और वसी का की विलायत है कि जो तुम्हें इन सब कामों के साथ फ़ायदा पहुँचाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बेशक, अगरचे के विलायत भी खाली काफ़ी नहीं है और ख़ाली नमाज भी काफ़ी नहीं है। जहाँ वो लोग थे कि जो मौला से इतनी मोहब्बत करते थे और इतना दावा विलायत करते थे कि मौला को खुदा बनाने के लिए तैयार थे, मौला ने कंबर से कहा, बिहाबुल अनवार की हदीस, मौला ने कंबर से कहा कि ऐ कंबर, मैं इन्हें दूसरी दफ़ा कहता हूँ कि जाओ, जाकर अपने अकीदे से फिर जाओ। कहा कि नहीं, हम अकीदे से नहीं फिरेंगे। मौला ने कहा क्या तुम नमाज पढ़ते हो? कहा कि नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ते लेकिन हम आपको खुदा मानते हैं। जहाँ विलायत इफ़राद के साथ थी, जहाँ विलायत बहुत ज़्यादा थी, इस कदर के तौहीद पर गालिब आ गई, तो बिहारुल अनवार की हदीस है कि मौला कहते हैं कि कंबर जाओ और लकड़ियों को जलाओ। जब लकड़ियों को बहुत ज़्यादा रोशन कर दिया गया तो मौला ने कहा कि इन सब गालियों को कहो कि जाओ इसमें जल के मर जाओ। उन्होंने कहा कि मौला क्या कोई मोहलत है? कहा कि हाँ, मोहलत इस बात की है कि तुम अपने अकीदे से फिर जाओ, अली को खुदा ना कहो। कहा कि नहीं, हमने आप में ऐसे सिफात और ऐसे कमालात देखे हैं कि जो खुदा ही में हो सकते हैं। तो मौला जवाब देते हैं, मैं जो इन सिफात और इन कमालात का हामिल हूँ, मैं खुद खाने कावा में मौलूद करवा पाता हूँ और सुबह शाम उस खुदा के यहाँ सजदा करता हूँ कि जो महबूद हकीकी है। वो ना माने, जब 3 दफ़ा कहने के बाद वो ना माने तो मौला ने कंबर की मदद से इन्हें आग में जलाया, और जलाने के बाद एक जुमला का बिहाउल अनवाय में जुमला मौजूद है कि अब मज़ा चखो उस आग का कि जो तुम्हारे खुद के खुदा ने तुम्हें जला कर चखाया।
तो जहाँ विलायत बग़ैर इताअत इमाम के हो, इमाम कह रहे हैं कि देखो खुदा एक ही है जो हकीकी माबूद है, हम ये कहें कि भाई हमें मौला से मोहब्बत है, हम खुदा भी मौला ही को मानते हैं नऊज़ु बिल्ला, तो मौला ऐसे शख्स के लिए आग को रोशन करे। और दूसरी तरफ जहाँ कोई शख्स नमाज को अंजाम देता हो, रोज़ों को अंजाम देता हो, हज को अंजाम देता हो, ज़कात को भी अंजाम देता हो, लेकिन विलायत अहले बैत उसके पास ना हो, तो मौला कहते हुए नज़र आते हैं कि ये खवारिज के जो विलायत अहले बैत के बग़ैर नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, ये बिला जहमत कोई, इनको इस जहमत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा, ये तो दरकिनार, इसके अलावा खुदा उन्हें जहन्नुम की उस वादी में रखेगा जो असफलुस साफिलीन के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, तो ये इमामुल मुत्तकीन की सिफत थी कि वो जहाँ जिस्मानी बीमारियों के लिए इलाज बताते थे, वहाँ रूहानी बीमारियों के लिए भी इलाज बताते थे। यही वजह है कि आपको मुख्तलिफ मकामात पर मौला की दुआएं नज़र आएंगी, कि मौला ये जुमला कहते हुए नज़र आते हैं, परवरदिगार अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तौफता अबद तौफता आइनिन अबदा, कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये वैसे रसूल से भी मनकूल है, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे एक लम्हे के लिए भी, पलक झपकने के लिए भी अपने ऊपर ना छोड़ दे। मेरे एक उस्ताद थे, वो ये कहते थे कि एक आलिम दीन थे जिन्हें बहुत गुरूर था कि उन्हें हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाती, हिफ्ज़ हो जाती, चूँकि हाफिज़ भी थे। तो एक दफ़ा वो अपने हाफ़िज़े का ऐलान कर रहे थे कि मैं जो है वो बहुत बेहतरीन हाफिज़ हूँ। जब क्लास और दर्स ख़त्म हो गया तो दर्स के बाद अपने तुल्लाब से कहा कि आओ आकर मेरे घर पर मदऊ आके खाना खाते। तो मेरे उस्ताद ये बताते हैं कि वो आलिम दीन जिन्हें इतना ज़्यादा गुरूर था अपने हाफ़िज़े पर, वो जब अपने तुल्लाब को लेकर गए तो आप जानते हैं कि जो रूहानी की जो कबा होती है उसके अंदर चार जेब होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। उसने चाबी निकाली, अपने दाएं हाथ में रखी और इस जेब में कुछ ढूंढने लगा, फिर चाबी को बाएं हाथ में रखा घर के पास पहुँच कर, फिर इस जेब में कुछ ढूंढने लगा, फिर ऊपर वाले एक जेब में ढूंढने लगा, फिर यहाँ वाले जेब में ढूंढने लगा, चाबी को इधर उधर करता जाता था। तो उसके दोस्तों ने पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे? कहा मैं चाबी ढूंढ रहा। तो चाबी उसके हाथ में दमे दस्त है, लेकिन खुदा ने उसे एक लम्हे के लिए, पलक झपकने के लिए उसके हाल पर छोड़ दिया, जो चीज़ उसके हाथ में वो उसको नजर नहीं। तो उस्ताद कहते थे कि याद रखना, कभी भी एक लम्हे के लिए भी अपने आप पर मौकूल ना हो जाना कि वो चीज़ें जो तुम्हारे सामने हैं तुम उससे गाफिल हो जाओ। रसूल फरमाते हैं और मौला की भी ये दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तौफत आइनिन अबदा, परवरदिगारा तो एक लम्हे के लिए भी, पलक झपकने के लिए भी तो मुझे अपने आप पर ना छोड़। और ये दुआ के जुमले जहाँ अल्लाह के रसूल के हैं, जहाँ अल्लाह के हबीब के हैं, जहाँ मौलाए कायनात के हैं, वहाँ इमाम सज्जाद के भी जुमले। इमाम सज्जाद जहाँ कुरान की इस आयत को, कि जो सरनामा कलाम में मैंने आपके सामने पढ़ी थी, उस आयत को दुआ में पढ़ते हैं, वहाँ ये जुमले भी कहते हैं। मैं आपकी इजाज़त से आप सलवात पढ़ें इंशाल्लाह, तो ये दुआ आपके सामने कुछ होगा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रब्बी ला तकिलनी इला नफ्सी तौफत आइन, ए हमारे रब हमें एक लम्हे के लिए भी, पलक झपकने के लिए भी अपने आप पर ना छोड़ देना। व असलह अमरा वुल्दी, और हमारी औलाद के उमूर की इस्लाह करना, व अयाली और हमारे अहलो अयाल की भी, व अग्निनी व अय्याहुम मिन खज़ाइने का वसअत रिज़्क़े का, और मुझे भी दे और मेरी औलाद और अयाल को भी दे उन तमाम ख़जानों से कि जो तेरे रिज़्क़ से भरे हुए, व फ़ज़्ल का और तेरे फ़ज़ल से भी नवाज़। फिर उसके बाद ये तो माली दुआ, मादी दुआ जो मौला ने की, फिर मानवी दुआ, वरज़ुक़नी अल फ़िक़्हा फ़िद्दीन,
परवरदिगार तू मुझे अपने दीन में फिक अता कर, यानी दीन की समझ अता कर। वह अनफ़िनी बिमा नफ़ा तबही मन तजई तमिन इबादिक, और मुझे उन तमाम चीज़ों का नफ़ा अता कर, फ़ायदा अता कर कि जो तू उन्हें अता करता है कि जो तेरे बंदों में से ऐसे होते हैं जिनसे तू राज़ी होता है। फिर यही जुमला जो आयत में मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, वजअलनी लिलमुत्तकीन इमामा, और परवरदिगार हमें मुत्तकीन का इमाम करार दे, कमा जअलता इब्राहीम, जैसे कि तूने हज़रत इब्राहीम को करार दिया था। देखिए मौला ने जो दुआएं लिखी हैं सहीफ़ा सज्जादिया जो इमाम सज्जाद ने लिखा है, अगरचे कि वो खुद दुआ क्या करते थे और बेहतरीन आबिद और ज़ैनुल आबिदीन थे, लेकिन वो इन दुआओं के ज़रिए से हमें दर्ज दे, ये दुआएँ हमारे लिए, जहाँ अहले बैत ने ये कहा है कि ये आयत वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा खुद मौलाए कायनात के लिए है और अहले बैत के साथ मखसूस है, वो कुल्ली तौर पर है, लेकिन जुज़वी तौर पर मोमिन अगर मुत्तकी है तकवा के साथ है तो चंद अफराद का ही सही, दो चार अफराद का ही सही अहले बैत को ये चीज़ पसंद है और महबूब है कि वो इनका रहनुमा बने, उनका पेशवा बने। तो कहा वजअलनी लिलमुत्तकीन इमामा, कि मुझे मुत्तकीन का इमाम करार दे, कमा जअलता इब्राहीम, जैसे इब्राहीम को करार दिया था। फ़इन्ना बितौफीकिका यफूज़ुल मुत्तकून, के तेरी ही तौफीक से मुत्तकी कामयाब होते हैं। व यतूबुत ताइबून, और तौबा करने वाले तौबा करते हैं। व यअबुदुकल आबिदून, और इबादत करने वाले इबादत करते हैं। व बितस्दीकिका व इरशादिका नजत सालेहून, और तेरी ही दीवी रहनुमाई और तेरी ही दीवी हिदायत से नेक अफराद निजात पाते हैं। ये किसकी दुआ है? इमाम सज्जाद की दुआ। इमाम सज्जाद बता रहे हैं कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि खुदा की बारगाह में मुत्तकी बनो, मुत्तकीन के इमाम बनो, तो याद रखना जहाँ तुम अपने लिए दुआ कह रहे हो वहाँ अपने अहलो आयाल के लिए भी दुआ करो। जहाँ तुम अपने लिए दुआ कह रहे हो अपने घर वालों के साथ साथ अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करो। वजअलनी लिलमुत्तकीन इमामा, मुत्तकीन के लिए इमाम करार दें। और जहाँ इमाम सज्जाद ये दुआ करते हुए नज़र आते हैं, वहाँ ऐसी ही दुआ जनाब सैयदा भी करती हुई नज़र आती है, कि जब एक दफ़ा दूसरे इमाम रात की तारीकी में देखते हैं कि उनकी वालिदा गिरामी नमाज के मुसल्ले पर हैं, जा नमाज पर हैं, तो देखते हैं कि जनाब सैयदा नमाज के बाद एक एक करके एक एक पड़ोसी के लिए दुआ कर रही हैं कि खुदाया तो फलां साहबी को बख्श दे, खुदाया तो फलां साहबी के घर वालों को बख्श दे, खुदाया वो हम अहले बैत का मुहिब है, परवरदिगार तो उन्हें बख्श दे। एक एक करके मदीने के तमाम अफराद के लिए दुआ कर रही। जब जनाब सैयदा को दूसरे इमाम ने देखा और दूसरे सरकार ने देखा कि वो एक एक करके सबके लिए दुआ कर रही हैं, तो कहा कि अम्मा आपने सबके लिए दुआ की, अपने लिए दुआ ना की। तो जनाब सैयदा ये जुमला कहती हैं, अलजार सुमनदार, कि पहले पड़ोसी फिर घर वाले, पहले पड़ोसियों के लिए दुआ की फिर घर वाले। तो मौला हसन मुश्तबा कहते हैं जनाब सैयदा से कि क्या हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम पहले अपने अतराफ के लोगों के लिए दुआ करें? तो जनाब सैयदा दोबारा से जुमला कहती हैं, अलजार सुमदार, कि पहले पड़ोसियों के लिए दुआ करो, अपने हमराइयों के लिए दुआ करो, अपने अतराफ़ वालों के लिए दुआ करो, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करो, फिर अपने लिए दुआ करो। लेकिन मैं कहूँगा जनाब सैयदा, आप तो रात की तारीकी में अपने मदीने में रहने वाले पड़ोसियों के लिए इतनी फ़िक्रमंद हैं कि अपने बेटे से ये कहती हैं अलजार सुमदार, लेकिन आप पर क्या मुसीबत आई कि आपके अतराफ वालों ने ही, आपके पड़ोसियों ने ही उस घर का और उस ख़ानदान का वो एहतराम न किया कि जो अल्लाह के रसूल करते थे। अल्लाह के रसूल जब इस ख़ानदान पर तशरीफ़ लाते थे, इस ख़ानदान के पास तशरीफ़ लाते थे,
तो दरवाजे के ऊपर खड़े होकर कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मादिनु रिसाला, सलाम हो आप पर ए अहले बैत नबुव्वत और रिसालत के मादन व मुख्तलफुल मलाइका और मलाइका के आने जाने के मकाम, ए अहले बैत आप पर सलाम हो। लेकिन आइए मदीने चलते हैं, मदीने में ये घर वो घर है जो इस कदर लुटा कि लोग यहाँ सलाम करने नहीं आते थे, अजियत पहुँचाने आते थे। कोई आता था सैयदा को तकलीफ पहुँचाने के लिए, कोई आता था, कोई पड़ोसी आता था जिस पड़ोसियों के लिए जनाबे सैयदा रात की तारीकी में दुआ क्या करती थी। कोई पड़ोसी आता था आकर कहता था कि सैयदा की गिरिए की आवाज़, आपने गिरिया किया। बस अब वो दिन आ गया कि जो 12 मुहर्रम का दिन है, अहले बैत सैयदा की औलाद अब काफले की सूरत में रवाना हो चुकी। बस जब अजीजों 11 मुहर्रम को काफला निकल चुका ना, 12 मुहर्रम आई और जहाँ कुश्तगाने यजीद को दफन कर दिया गया था और अहले बैत के जवानों और मर्दों के जनाजे गर्म रेती पर मौजूद थे, एक दफ़ा एक ईसाई खातून आती है अपने काफले के साथ, कर्बला से उसका गुजर होता है। वो ये देखती है कि चंद परिंदे हैं जो कर्बला की सरजमीन पर साया किए हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकाल रहे हैं। ये ईसाई खातून परेशान होती है, रिवायत गम के अल्फाज हैं कि ये ईसाई खातून परेशान होती है और जाती है, देखती है कि ये परिंदों का गौल कर्बला के अंदर क्यों इस तरीके से साया फगन है। देखती है कि शायद कोई ऐसा परिंदा होगा, इन परिंदों का सरदार होगा कि जो यहाँ गिर गया होगा, मैं उसे उठा लूँ ताकि ये परिंदे जो परेशान हैं वो परेशान ना हो। वो जाती है तो देखती है कोई परिंदों का सरदार नहीं है, चंद बेकफन लाशें हैं, चंद नौजवानों के लाशें हैं, किसी जवान का सर कटा है, किसी जवान के बदन पर नेजा लगा हुआ है, किसी जवान के बदन पर तलवार के और तीरों के निशान है। वो परेशान हो जाती है, बेशक इन जवानों और इन मर्दों के कातिल कोई शकीउल कल्ब इंसान थे जो इतनी बेदर्दी से इन्हें कत्ल करके यहाँ मक्तल में छोड़ कर चले गए हैं। परेशान होती है, अतराफ में मालूम करती है, कोई जवाब नहीं मिल, एक लाशे की तरफ निगाह पड़ती है जो किबले की तरफ था, सजदे में था। जाती है और कहती है ए मेरी कनीजों, ए काफले वालियों, ये किसी अल्लाह वाले का लाशा लगता है। एक दफा देखती है परिंदे अपने तमाम परों को फैलाए, इस लाशे पर साया फिगन है। कहती है या तो ये सुलेमान का लाशा है या सुलेमान जैसे किसी फर्द का लाशा है। कनीज कहती है ए सैयद, ए मेरी सरदार, ए मेरी मालकान, आपने शायद मुबालगा कर दिया, सुलेमान तो नबी थे, ये तो कोई नबी नहीं। ये कहती है ए कनीज, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सुलेमान जिंदा थे तो परिंदों पर हुकूमत करते थे। ये वो हस्ती है कि जो दुनिया से चली गई है फिर भी परंदी गुलामी करते। बस वो कहती है मालूम करो ये किसका लाशा है। बनी असद के जवान मिलते हैं, कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल के नवासे का लाशा है। ईसाई खातून कहती है ए लोगो, तुम खुद अपनी जबान से कहते हो कि तुम्हारे रसूल के नवासे का लाशा है, उस रसूल का नाम क्या था? कहा जाता है इसका नाम मोहम्मद था,
था, क्या और भी नाम है, कहाँ अहमद था, कहाँ अहमद तो वही नाम है जो तौरात में आया है, क्या तुमने अहमद के नवासों को एक दफा कलमा पढ़ती है, कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हो जाती है। ये ईसाई हुसैन के कटे लाशे को देखकर मुसलमान होती है। मैं कहूँगा मुसलमानों, तुमने जिंदा हुसैन को कुर्बान करके फिर भी तुम कहते हो मुसलमान। बस बनी असद के जवान इस खातून की आहो फुगा को सुनते हैं और ये कहती जाती है कि तुमने अपने रसूल के नवासे को बेगौर कफन इस मक्तल में छोड़ दिया। बनी असद की खवातीन अपने मर्दों से कहती है कि जाओ हुसैन का साथ तो ना दे सके, जाओ उनके जनाजों को दफन कर दो। कुछ अफराद निकलते हैं और जाकर बनी असद के अफराद निकल कर मौला हुसैन के लाशे को उठाना चाहते हैं लेकिन उठा नहीं पाते हैं। बस वो वक्त याद आ जाता है कि जब 2 मुहर्रम आई थी हुसैन ने बनी असद के कबीले वालों से इस जमीन को खरीदा था तो कहा था ए अब्बास याद रखना ये वो मकाम है जहां 17 शहीद दफन होंगे, ये वो मकाम है जहां मेरी कब्र बनेगी, ये वो मकाम है जहां तुम्हारे कटे बाज को दफन किया जाएगा। बस ये खातून कहती जाती है कोई तो आए जो इनको दफन करे। परेशान हो जाते हैं कि लाश को उठाना चाहते उठती नहीं है। एक जवान नजर आता है जो तेज घोड़े पर सवार है। तारीख के जुमले हैं 12 मुहर्रम को एक जवान सियाह अमामे के साथ जब जवान घोड़े पर सवार होकर आता है किसी को समझ नहीं आता ये कौन है। आकर कहता है बनी असद के जवानों यहाँ कब्र खोदो, यहाँ एक साथ 17 असहाब को दफन किया जाएगा। ये वो मकाम है जहाँ छोटे से नन्हे अली असगर को दफन किया जाएगा। बस ये ईसाई खातून सुनती है कि यहाँ क्या कोई नन्हा सा छोटा सा बच्चा भी शहीद हुआ है। एक मरतबा गश्त कर जाती है और गश करके कहती है जब होश में आती है तो कहती है ए मुसलमानों तुम्हारी इस छोटे नन्हे अली असगर से क्या दुश्मनी थी। बस अज़ादारो मौला सज्जाद एक एक करके एक एक जनाजे को दफन करते हैं। बस जब मौला हुसैन के जनाजे के पास आते हैं कटे सर की लाश को देखते हैं दोनों बाहों से बाबा के सीने से चिमट जाते हैं और जब दफन करना चाहते हैं और मिट्टी डालते हैं तो एक मरतबा एक जुमला कहते हैं बाबा आपकी मुसीबतें आपके शहीद होने के बाद ख़त्म हो गई लेकिन ये सैयद सज्जाद क्या करे कि कैदी ये कूफा और शाम है और सिर्फ कैदी ही नहीं बेविदा अहले बैत के सरों को देखता जाता है और मातम करता है इस चीज पर कि ज़ैनब बेविदा हो। बस सैयद सज्जाद मक्तल में तमाम जवानों को दफन कर देते हैं, तमाम जनाजों को दफन कर देते हैं और वापस पलटते हैं और कूफा और शाम के दरबार में और बाजार में चलने के लिए आमादा होते हैं। बस उसी तरीके से वापस उनके हाथों में जंजीरें होती हैं, गले में तौक होता है, पाँव में बेड़ियाँ होती हैं। सैयद सज्जाद जब जाते हैं कूफा के बाजार में तो कोई जलती हुई लकड़ी फेंकता था, कोई पत्थर फेंकता था। मैं कहूँगा आज़ादारो आप सब ने वो वाकया सुना होगा कि जब अल्लाह के रसूल मक्के में जाते थे तो एक बूढ़ी औरत थी जो कचरा फेंकती थी। अल्लाह के रसूल अपने हाथों से कचरे को उठाते थे, हटा देते थे, सैयदा होती थी वो इन गलाजतों को साफ कर देती थी। मैं कहूँगा
अल्लाह के रसूल आप आइए कूफा के बाजार में, कोई जलती हुई लकड़ी को फेंकता है सैयद सज्जाद के अमामे पर, ये लकड़ी लगती है अमामा जल जाता है, अल्लाह के रसूल मैं आपसे दस बस्तास करूँगा। आप अपने हाथों से इन गलाजतों को दूर करते थे, सैयद सज्जाद इस जलते हुए अमामे से आग कैसे बुझाए, हाथों में जंजीरें। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ما تبي حسنا.